सोलन के नौणी विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले दो छात्रों की शिकायत करने वाले अधिवक्ता मीडिया के समक्ष आए और उन्होंने पाकिस्तान की हिमायत करने वाले छात्रों को चेतावनी दी कि वे भारत माँ के लिए कोई अपशब्द नहीं सहेंगे और जो ऐसा दुस्साहस करेगा उस पर सोलन अपने गांव और अपने भारत देश में नहीं सहन करेंगे। उन्होंने जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार को चेतावनी दी कि वे ऐसे युवाओं पर सख्त कार्रवाई करें जिनके दिलों में भारत देश के लिए सम्मान नहीं है। अधिवक्ता नीरज ने बताया कि जो युवा भारत में रहते हैं उनको दिल से भारत का सम्मान करना होगा और अगर उनका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है तो वे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए ऐसे दो युवाओं के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई है जो पाकिस्तान और आतंकवादियों के प्रति सहानुभूति रखते हैं। उन्होंने प्रदेश और देश की जनता से अपील की कि ऐसे युवाओं का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए वे ताकि वे भविष्य में इस तरह की हरकतें ना कर सकें। एचडी के लिए सोलन से चिन्मय की रिपोर्ट। कल हमारे विषय में ये बात ध्यान आई कि दाबिश पेरजादा और आकिब रसूल जो दो लड़के सोलन के एक विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं और मूलतः कश्मीर से हैं, इन्होंने देश विरोधी टिप्पणी की है और जिस बारे हमने शिकायत पत्र पुलिस को दिया है इनकी टिप्पणियों के बारे में मैं थोड़ा सा आपको ज्ञात करा दूं। ये कहते हैं कि वी एक्सेप्ट ओनली पाकिस्तान डिसीजन बिकॉज आर हार्ट बीट विद पाकिस्तान आर माइंड ब्लो विद पाकिस्तान। उसके बाद ये लिखते हैं कश्मीर ऑन बॉयल फोर अटैक्स इन 3 डेज लॉन्ग लिव मुजाहिदीन लॉन्ग लिव कश्मीर। I wonder if the people of Kashmir don't consider themselves as Indians and hate being called Indian, why do India then consider Kashmir as its integral part? All I can say is illegal occupation. ये लोग जो हमारे देश में ही रह रहे हैं, हमारे देश का ही नमक खा रहे हैं और जिनका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है, ऐसे जो भी लोग मेरे देश मेरे घर और मेरे सोलन में रह रहे हैं वह हमारी उनको एक ही चेतावनी है कि जिनका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है और जिनकी मनोस्थिति ऐसी है वो मेरे सोलन को अगले 7 दिनों में खाली करके पाकिस्तान ही चले जाएं, नहीं तो इसके विरुद्ध हमारे को कठिन कदम उठाने पड़ेंगे और यह प्रदर्शन उग्र भी हो सकता है। प्रशासन से यह हमारी डिमांड है कि प्रशासन ऐसे जो भी शरारती तत्व सोलन में रह रहे हैं उनके खिलाफ कड़ा संज्ञान ले और उनको चिन्हित करके यहाँ से बाहर भेजा जाए ताकि सोलन और हिमाचल जो देवभूमि है वहां की शांति भंग ना हो। मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूं, या धर्म कोई मुस्लिम धर्म को मान रहा है, कोई हिंदू धर्म को मान रहा है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, पर जो भारत देश के खिलाफ है, जिसकी मानसिकता भारत देश के खिलाफ है, मैं पूरे अपने सोलन वासियों से और देशवासियों से ये आग्रह करना चाहूंगा कि इनका टोटल बायकॉट किया जाए, टॉलरेट ही ना करो, ना इनका इनसे कोई सामान लिया जाए, ना इनकी कोई मदद की जाए इनके साथ, और इनको चिन्हित किया जाए जो जो ये लोग हैं और वो सामने लाए जाएं।